हेलो स्टूडेंट्स ओटो आइस अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम डेली के दस एम को प्रैक्टिस करते हैं और ये जो एम है करंट अफेयर बेस्ड रहते हैं जो कि आपकी न्यूज़ है चाहे द हिंदू में हो इंडियन एक्सप्रेस में हो पी में हो तो दैट मीन्स यहाँ पे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो रेलिवेंट न्यूज़ है उसको हम एम के द्वारा कवर करते हैं अगर आपको इस वीडियो की पी चाहिए तो आप हमारी ओटो आएस अकेडमी की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर आपको ये पी मिल जाएगी स्टार्ट करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन से दैट इज़ रिलेटेड टू पैन ट्रांसक्रिप्टॉम तो जैसा कि आपने द हिंदू में भी एक आर्टिकल पढ़ा होगा जिसके अंदर पैन ट्रांसक्रिप्टॉम जो टूल किट है उसको लॉन्च किया गया है ताकि यहां पर आर एन एन ए की अनालिसिस या फिर उसकी जो सीक्वेंसिंग है उसको किया जा सके सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अलग अलग टर्म्स के बारे में जैसे कि जिनोम ट्रांसक्रिप्टोम प्रोटीम मेटाबोलोम तो जैसा कि आप जानते हैं एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस रहता है और इस न्यूक्लियस के अंदर जो है एक किसी भी पर्सन का जो जेनेटिक मटीरियल है फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन्स का जो जेनेटिक मटीरियल है दैट इज डी तो इस डी से फिर आर बनता है द प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन और सारी जो आर एन ए की स्ट्रैंड है उनको हम बोल देते हैं ट्रांसक्रिप्टोम इन द सेम वे जितनी भी डी एन ए के अंदर जीन्स हैं उन सबको हम कलेक्टिवली बोल देते हैं जीनोम फिर आर से बनाए जाते हैं प्रोटीन्स और फिर इन प्रोटीन्स को अलग अलग रिएक्शंस में यूज किया जाता है इन द सेम वे एक ह्यूमन के डी से जितनी भी प्रोटीन्स बनी हैं उनको कलेक्टिवली हम बोल देते हैं प्रोटीम इसके अलावा भी अलग अलग जो स्मॉल स्मॉल सब यूनिट्स हैं फॉर एग्जाम्पल आपके शुगर्स हो गए न्यूक्लियोटाइड्स हो गए अमाइनो एसिड्स हो गए तो इन सबको हम बोल देते हैं मेटाबोलोम तो ये कुछ टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए जो कि मोस्ट बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली जो है आपके न्यूज़पेपर्स में देखने को मिलती हैं पैन ट्रांसक्रिप्टोम के बारे में बात करूं तो यहां पे जिनोम और ट्रांसक्रिप्टोम को कलेक्टिवली पैन ट्रांसक्रिप्टोम जो है ये बोला गया है तो आपने द हिंदू में भी देखा होगा कि इट इज रादर अ लीनियर स्टैंड के बजाय कुछ ग्रुप ऑफ डाइवर्स इंडिविजुअल्स का जो जेनेटिक मटेरियल है उसको हम पैन ट्रांसक्रिप्टोम के नाम से जानते हैं फिर अगर मैं बात करूं ये पैन जीनोमिक्स की फील्ड को भी इंक्लूड करता है तो दैट मीन्स यहाँ पे आपकी दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट्स है ये करेक्ट हो जाएंगी आंसर बनेगा बोथ वन एंड टू नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं दैट इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया तो अगर मैं इस इंश्योरेंस कंपनी के रिगार्डिंग बात करूं तो 2002 में इंडियन कंपनीज एक्ट के तहत इस कंपनी को ऐड किया गया था जो कि एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है अगर मैं इस कंपनी के रिगार्डिंग बात करूं तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो फार्मर्स हैं वो इंश्योरेंस करवाते हैं अपनी क्रॉप की इंश्योरेंस करवा सकते हैं तो इसी के रिगार्डिंग जो वेदर बेस्ड इंश्योरेंस है या फिर फार्मर से बेस्ड कोई भी इंश्योरेंस है वो इस कंपनी के अंडर लाई जाती है अब अगर मैं बात करूं कि ये जो कंपनी है कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर रेगुलेट किया जाता है तो दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नॉट मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर तो दैट मींस आपकी सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इसके अलावा ये जो कंपनी है इसको अलग अलग कैपिटल के साथ फॉर एग्जांपल जो ऑथोराइज कैपिटल दैट वॉज रुपीज़ करोड़ एंड जो पेड अप शेयर कैपिटल था दैट वॉज रुपीज़ करोड़ से इस कंपनी को बनाया गया था तो दैट मीन्स यहाँ पे आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज टोटली करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं दैट इज रिलेटेड टू इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 तो जैसा कि आप जानते हैं कि 21 जनवरी से लेकर 24 जनवरी 2023 में Uh, जो आपकी इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 है इसको ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है आपने इसकी प्लेस को याद रखना है दैट इज भोपाल की मैनिट यूनिवर्सिटी में इसको ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है अगेन अगर मैं इस इंटरनेशनल फेस्टिवल के रिगार्डिंग बात करूं, बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो यहाँ पे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना साइंस की फील्ड में एक दूसरे के साथ इकट्ठे काम करना तो ये कुछ इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिवस रहते हैं सेकेंड स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक पर्टिक र थीम जो है उसको रखा जाता है जैसे कि जो हमारी 2022 की जो ये फेस्टिवल है जो कि 23 में ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है इसका जो थीम है दैट इज मार्चिंग टू वर्ड्स अमृतकाल साइंस एंड साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन तो इसके रिगार्डिंग आपने ध्यान रखना है तो यहाँ पे आपकी दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं ये करेक्ट हो जाएंगी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं दैट इज रिलेटेड टू चार आई मैदान तो बेसिकली असम के पिरामिड्स के नाम से भी इनको जाना जाता है तो असम के जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है वहां पर ये सिचुएटेड है आपको देखने को मिलेगा कि नागालैंड के इवन पे आपका अरुणाचल प्रदेश खत्म होता है और असम वाला रीजन शुरू होता है तो नागालैंड के फुट हिल्स पे आपको ये जो है देखने को मिलेगा इसको पिरामिड्स ऑफ असम भी कहा जाता है ये न्यूज में इसीलिए क्योंकि रिसेंटली जो असम गवर्नमेंट है या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने इन पिरामिड ऑफ असम को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर इंक्लूड करने की बात की है तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए इवन अगर मैं असम के शिव सागर टाउन की बात करूं तो वहां से ये 30 किलोमीटर की दूरी पर सिचुएटेड है तो दैट मींस आपने यहां पे करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है बिकॉज बोथ देंट्स आर करेक्ट तो आंसर इज नीदर वन एंड नॉर टू नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं दैट इज रिलेटेड टू बल्लभपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसको वेस्ट बंगाल का डियर पार्क भी कहा जाता है क्योंकि यहां पे अलग अलग टाइप्स के जो डियर हैं ये देखने को मिलते हैं स्पॉटेड डियर हो गया इवन यहाँ पे ब्लैक बर्स भी देखने को मिलते हैं तो अगर मैं बात करूं बल्लभपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में तो वेस्ट बंगाल के बल्लभपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये सिचुएटेड है तो आंसर बनेगा वेस्ट बंगाल इसके अलावा भी ये न्यूज़पेपर में इसीलिए था क्योंकि यहाँ पे जो बर्ड बर्ड्स की स्पीशीज है वो धीरे धीरे कम हो रही है तो बेसिकली आपका जो आंसर बनेगा दैट इज वेस्ट बंगाल नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं दैट इज रिलेटेड टू लेपर टू टैंक तो अगर मैं इस टैंक के बारे में बात करूं तो जो जर्मनी है वो यूक्रेन को ये जो टैंक्स है ये प्रोवाइड कर रहे हैं तो इस वजह से आपने इंडियन एक्सप्रेस के भी एक्सप्लेन सेक्शन में इसका आर्टिकल पढ़ा होगा अगर मैं इस टैंक के रिगार्डिंग बात करूं तो यहाँ पे आपको बेसिकली ये एक बैटल टैंक है जैसे कि हमारे नाग मिसाइल है यहाँ पर जो कि एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है इन द सेम वे ऐसे अलग अलग जो टैंक्स हैं आपको देखने को मिलेंगे तो ये टू को लाइट मशीन गन्स जो हैं इसके ऊपर लोडेड हैं देन इज ऑल राउंड प्रोटेक्शन ये प्रोवाइड करता है एंड इवन ये जो टैंक है वो अलग अलग थ्रेट से बेसिकली uh, प्रोटेक्ट भी करता है जैसे कि ये एंटी टैंक फायर है माइंस के थ्रेट से प्रोटेक्ट करता है तो बेसिकली जर्मनी जो है वो यूक्रेन को ये टैंक्स प्रोवाइड कर रही है इस वजह से ये न्यूज़ में था तो आपको पता होना चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग कंट्री कौन सी है तो दैट मीन्स आंसर इज बोथ वन एंड टू नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं दैट इज रिलेटेड टू अमराबाद टाइगर रिजर्व तो जैसे कि आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा जो भी प्लेसेज इन न्यूज है उसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है स्पेशली आपसे टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क वाइल्ड

ट है और इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा रिच बायोडाइवर्सिटी जो है ये देखने को मिलेगी तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी तेलंगाना स्टेट के अंदर ये जो टाइगर रिजर्व है ये सिचुएटेड है इसके अलावा कुछ और चीजें जैसे कि इसके अंदर आपको डीप वैलीज जॉर्जिस भी देखने को मिलेंगे लेकिन आपने ध्यान देना है कि ये जो अमराबाद टाइगर रिजर्व है ये कावेरी बेसिन के ऊपर सिचुएटेड है गोदावरी रिवर के बेसिन के ऊपर ये सिचुएटेड नहीं है तो अगर मैं गोदावरी और कावेरी बेसिन के बारे में बात करूं तो गोदावरी जो है आप आपको ओडिशा और अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में ज्यादा देखने को मिलेगी वेयर एज जो आपका कावेरी है वो तेलंगाना वाले रीजन में ज्यादा देखने को मिलेगी इवन ये जो टाइगर रिजर्व है उसके ये टाइगर रिजर्व जो है वो कावेरी बेसिन पर ही सिचुएटेड है तो दैट तो मीन गोदावरी रिवर पर यह सिचुएटेड नहीं है आंसर बनेगा वन ओनली नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं दैट इज रिलेटेड टू ग्रोनिंगन गैस फील्ड तो अगर मैं इस गैस फील्ड के रिगार्डिंग बात करूं तो न्यूज़पेपर्स में इस गैस फील्ड को शट डाउन करने की बात करी जा रही है अगर मैं इसकी लोकेशन के बारे में बात करूं तो नॉर्थ ईस्टर्न जो नीदरलैंड है वहां पर ये जो गैस फील्ड है ये सिचुएटेड है जो कि ज़्यादातर यूरोप वाले रीजन को गैस की सप्लाई जो है ये प्रोवाइड करते हैं तो इसको शट डाउन करने की बात की जा रही है तो इस वजह से आपको पता होना चाहिए कि ये जो गैस फील्ड है ये कौन सी कंट्री के अंदर सिचुएटेड है नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं दैट इज़ रिलेटेड टू प्लैनेट परेड तो प्लानट परेड के रिगार्डिंग बात करूं जैसे कि आपने न्यूज़पेपर्स में देखा होगा कि जो वीनस है वो सैटन के बहुत ज़्यादा क्लोज आ गया था जो कि नाइट स्काई में आपको देखने को मिल रहा था तो इसी के रिगार्डिंग ये आप एक आपको टर्म देखने को मिलती है दैट इज अ प्लैनेट परेड तो बेसिकली जिस टाइम पे नाइट स्काई होता है जिस टाइम पे जो सनसेट हो जाता है तो उस टाइम पे आपको एक लाइन के अंदर जो अलग अलग प्लैनेट्स हैं ये देखने को मिलेंगे फॉर एग्जाम्पल मर्करी वीनस मार्स जुपिटर एंड सैट्रन तो रिसेंटली बेसिकली वीनस और सैटन जो है एक दूसरे के बहुत क्लोज लाई कर रहे थे तो प्लैनेट परेड तो वो नहीं था लेकिन प्लैनेट परेड भी आपको पता होना चाहिए कि ये टर्म होता क्या है तो यहाँ पे अलग अलग प्लेनेट जो हैं इसका फिनोमिना आपको नेकेड आई से अर्थ से देखने को मिलेगा सेकेंड स्टेटमेंट के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं तो ज्यादातर ये नाइट स्काई नाइट स्काई के अंदर ही देखने को मिलता है और इसके अंदर जो प्लेनेट है वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं तो दैट मीनस यहाँ पे आपकी जो दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स है ये करेक्ट हो जाएंगी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में में बात कर लेते हैं जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू मीजल्स एंड रूबेला मीजल्स एंड रूबेला के बारे में बात करूं तो न्यूज़पेपर्स में आपने देखा होगा कि तेलंगाना रीजन के अंदर तेलंगाना महाराष्ट्र रीजन के अंदर मीज़ल्स जो है उसका आउटब्रेक हुआ है इसके अलावा भी द हिंदू में भी एक एक्सप्लेन आर्टिकल आया था जिसमें बताया गया था कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनका जो टारगेट है कि मीज़ल्स और रूबेला को इराडिकेट करना है वो टारगेट धीरे धीरे जो है आगे एक्सटेंड होता जा रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत पहले इसकी जो इराडिकेशन ईयर था वो दो रखा गया था दो 2018, 2020 भी रखा गया था अभी 2023 भी रखा गया था लेकिन अभी तक भी जो और है, इसका नहीं हुआ है इसके आउटब्रेक्स अभी भी देखने को मिलते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग इस क्वेश्चन को किया गया है तीन स्टेटमेंट प्रोवाइड की गई है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं सबसे पहली बात, और रूबेला जो है ये एक सिर्फ एक पर्टिकुलर वायरस की वजह से नहीं होता फॉर एग्जाम्पल मीजल्स कॉज करने वाले वायरस को मीजल्स वायरस कहते हैं और रूबेला कॉज करने वाले वायरस को रूबेला वायरस के नाम से जाना जाता है लेकिन यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि ये इन दोनों वायरसेस जो है जब भी ये किसी पर्सन के अंदर एंटर करते हैं तो यहां पे सिमिलर सिम्टम्स जो है ये देखने को मिलते हैं फॉर एग्जाम्पल नेजल कंजेशन हो जाता है स्किन के ऊपर रैशेज आने लग जाते हैं फीवर हो जाता है इन्फ्लेमेशन ऑफ आईज हो जाती है रनी नोज हो जाता है तो स्पेशली ये नेजल चैंबर और जो थ्रोट वाला रीजन है उसको कॉमन तो सिम्टम्स दोनों की, दोनों, की वजह से नहीं होता हालांकि आपको साइंस एंड जो सिम्टम्स है ये देखने को मिलेंगे. तो दैट मीन यहां पे आपकी जो तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स है ये करेक्ट हो जाएगी और आंसर बनेगा वन टू एंड थ्री इवन अगर मैं वैक्सीनेशन के रिगार्डिंग बात करूं तो यहां पे हमारा जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसके अंदर एक वैक्सीन है जिसका नाम है एम एम आर दैट इज मीजल माम्स एंड रूबेला तो इसकी एक कॉमन वैक्सीन जो है हमारे नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर बेसिकली uh, ऐड की गई है ताकि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इसको प्रोवाइड किया जा सके लेकिन अभी भी आउट आउटब्रेक ब्रेक जो है इसके देखने को मिलते हैं तो दैट मीन्स दैट इज़ ऑल फॉर टूडे तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एम के साथ मिलेंगे थैंक यू सो मच एंड नाइस डे